कहाँ निकल गए वो लोग? हाँ सुनो, आ रही है, देखी मैंने अभी। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज है हमारा डे 3 जब हमें दिल्ली वापस जाना है। सो अभी आई थिंक 6:30 बज रहे हैं और हम लोग नदी के पास जाने वाले हैं रिवर व्यू देखने के लिए। बहुत ज़्यादा वाव व्यू नहीं है, उसके लिए आगे चलना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी सी ट्रैकिंग करके सब चप्पल उप्पल पहन के जा रहे हैं आगे, देखते हैं क्या अच्छा व्यू दिखता है वहाँ पे। पन्नी ले लो, फोन फोन रखना पड़ेगा, बारिश तेज हो गई तो। चलो फिर सारे नींद में। तो कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग है? नहीं ट्रैकिंग तो नहीं होगी, शायद 100-200 मीटर ही होगा, इसीलिए आए हैं हम लोग, वरना आते भी नहीं शायद। ये कमजोर खिलाड़ियों का दल है। ये तो बादल लग रहे हैं। वो कहाँ रह गए? बाकी वापस गया होगा। अबे वो लाल लाल वो क्या कपड़ा है क्या? वो पत्थर है? वो कपड़ा है। वहाँ से उधर पुल के नीचे करें, पुल के नीचे बहुत अच्छा है। यहाँ अगली डेस्टिनेशन वही होगी। ऐसे चप्पल निकाल चट क्या से बड़ा ही रिस्की पुल था भाई। हैं ये ब्रिज जो है लोहे का है, बट इसमें सिर्फ 3 तारे हैं टकी हुई है इसकी सेफ्टी के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा Z+ सिक्योरिटी से बना गया है ये ब्रिज। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था इसको क्रॉस करना। सो आज की हमारी ट्रैकिंग ही ख़त्म होती है, बट हमने सोचा कि थोड़ा सा आगे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे नदी है जो उसके पास जाने का सोच रहे, ताकि ये दिल्ली वालों ने खड़ा होगा भाई कचरा। मेरे को लगता है मैगी वैगी ये पैकेट भाई इनसे दूर रहना, ये इनसे काटो से। बहुत अच्छी प्यारी जगह है यार, मतलब हमारे सुबह का उठना वर्थ कर गया कि हम थोड़ा सा यहाँ पे आए हैं। पिक्स वगैरह क्लिक करी हमने, काफ़ी अच्छी तो नहीं कहूँगा बट ठीक थी। बट ठीक था यार, काफ़ी मतलब बढ़िया नदी के पास आके थोड़ा सा जो फ्रेश एयर जो आ रही है नाकों में फेफड़ों में, जो हमने धुआं भरा हुआ है सिगरेट की फिल्टर वाला, वो कम से कम क्लीन अप तो हो रहा, वॉश आउट तो हो रहा है। दो चार दस दिन तो अतड़ियों तक वेंस तक रहेगा कुछ प्योरिटी। अब तो ऐसे ही दिल्ली कितना है यहाँ से? 420-430 है ना? 430 किलोमीटर अपना, मेरा होम है, तेरा 470 है। नहीं मेरा भी 430 है, तो 430 है मेरा घर यहाँ से और 430 अराउंड रॉकी का भी घर है। किलोमीटर मूर्थल है। सो अराउंड 10-10.5 घंटे बता रहा था गूगल मैप, तो हम 12 मान के चल रहे, तो रात के 10 बजे तक हम घर पर होने चाहिए। बाकी तो आपको पता लगता रहेगा कि हम लोग कितनी देर में पहुँचे। बाकी लोकेशन सही है, यहाँ पे जो पीछे आपको वुडन्स दिख रहे हैं यहाँ पे कैंपिंग वगैरह का भी सही है। बंदे कैंप अपना खुद का अगर पर्सनल है आपके पास तो कैंप कर सकते हो, और नदी तो है तो बाकी 1-2 नंबर का तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी ये जो रूट है नारकंडा से जीबी जलोरी वाला, ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मस्ट वॉच। अगर किसी को कीर्तन वैली या जीबी वगैरह जाना तो यही वाला रूट प्रेफर करो, क्योंकि मंडी वाला जो दूसरे साइड से हम लोग आए थे वो तो बहुत गंदा है, वहाँ पे टनल का काम चल रहा है एक्चुअली, उसकी वजह से पूरा रोड खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। नेचुरल व्यूज मिलेंगे आपको, रोड्स भी अच्छे हैं,
जो आपको चाहिए, और आप जब लोकेशन पे पहुंचोगे तो एक अपने आप में सेटिस्फेक्शन है। जी वी वाटरफॉल जो हो गया उसको नेचुरल रखा गया है, मेंटेन किया गया उस तरह से। वहाँ कैफे है हॉपिंग करने के लिए आपके, प्लस जो जलोरी है वहाँ पे पीछे सेलोस्कर लेक जो है ट्रैकिंग है एरिया है, प्लस 360 व्यूज़ जो हैं जहाँ स्नोज है माउंटेन्स है वो लश ग्रीन, वाओ। तो अब हमारी अगली जो लोकेशन होगी वो आई थिंक हम सोलन की तरफ निकलेंगे, उसके बाद मतलब नारकंडा कुफरी सोलन एंड देन फिर दिल्ली की तरफ। बाकी बीच में बारिश ना आए तो बेटर रहेगा, क्योंकि आज जो वेदर का ड्रिजलिंग है था कि उसमें थे कि आज बारिश हो सकती है। अभी हल्की हल्की चल रही है बट इतना हमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और इससे ज़्यादा ना हो वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। बीच में हमारे कुछ टीम के मेम्बर्स हैं जो दूसरे रूट पे गए हुए थे, वो भी हमें वापसी में ज्वाइन करेंगे दिल्ली के लिए। वतन वापसी होगी आज दिल्ली की, लौट के बुद्धू घर को आए, जला के सामान इधर को आए। तो मिलते हैं गाइस, अब शायद बाइक पे मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में, मतलब शायद 7:10 हो रहा है अभी, तो 8:30 तक हम मैक्सिमम निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करके। आप बैठे थे घरों में, हम खेल रहे थे धूल की होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलो गाइस मिलते हैं बाइक पे, बाय। ये बाइक की कंडीशन है, जबकि एक बार बाइक कल हमने धोई थी तीर्थन वैली में, और सबसे ज़्यादा धोई थी रॉकी ने अपनी बाइक, मगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा गंदी, क्योंकि अभी देखो बारिश भी हुई थी सुबह। ये सेंट्रो और 3 बाइक्स, तो टोटल 6 बंदे थे हम। सही रहा सफ़र, गाड़ी का भी यार अपना फ़ायदा, तुम लगेज वगैरह गाड़ी में डाल दो। और तो दिखाएं इस वीडियो में आपकी बाइक का जो डैमेज हो चुका है, ये गर्दन तो मैंने रास्ते में दिखा दी है, देखो गाइस ये जो नुकसान हो गया मेरे को, ये देखो ये टूट चुका है। यहाँ पे जो आई थिंक वेल्डिंग होती है वो टूट चुकी है, इस साइड कहीं पे होती है वो टूट गई है। तो या तो दो ऑप्शन है, या तो नया लगवाऊंगा जो कि लगवाना नहीं है, हम तो दूसरे ऑप्शन जाएंगे जुगाड़ वाला, इसको वेल्डिंग वगैरह कराएंगे दिल्ली जाके। यहाँ पे चेन ल्यूबिंग का काम चल रहा है, रॉकी की बाइक, फिर मेरी बाइक एंड देन ब्रिज की बाइक। वहाँ से डाल, आगे की साइड से डाल, आगे की साइड से डाल ले। अरे ये रेशे बनाता है, ये अलग वाला है, ये फॉर्म वाला है क्या? ये रेशे आ रहे हैं, ये जेन्युइन है। अरे एक लिक्विड वाला होता है, ये मेरे ख्याल फॉर्म वाला है शायद, बेकार होता है। अच्छा ओके,